हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से क्लास 8, 9, 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा। आज इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है 0.142857, और इसके ऊपर ये लाइन जो खींची हुई है ये क्या दिखाती है कि लगातार ये संख्या आती रहेगी। ठीक है, लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार कितना है। अगर आप बता सकते हैं तो कैसे, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 7 से 1 को भाग दिया है और फिर इसका दशमलव प्रसार इन्होंने निकाला है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, ये 2/7 का आप दशमलव प्रसार बताइए। शर्त क्या है, आपको भाग नहीं देनी है। ठीक है, वैसे तो हम 7 से 2 को भाग देकर इसका दशमलव प्रसार बता सकते थे, ऐसे ही 7 से 3 को भाग देकर इसका दशमलव प्रसार बता सकते थे, ऐसे ही 7 से 4 को, 7 से 5 को, 7 से 6 को भाग देकर हम इसका दशमलव प्रसार बता सकते थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, भाग नहीं देनी है, बिना भाग दिए बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर चूँकि 1/7, ठीक है, अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ 2/1 है, 2/1 क्या 1 है, तो ऊपर ऊपर ही गुणा करते हैं, नीचे नीचे की, 2 एकम 2 और 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ 1/1 होता है, ये मैंने आपको गुणा बताई कि कैसे करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो गया, 2/7। अब क्या हम 1/7 के दशमलव प्रसार को अगर 2 से गुणा कर दें तो क्या वो 2/7 का दशमलव प्रसार नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो हम बस यही करेंगे। इसीलिए 0.142857 ये किसका दशमलव प्रसार है, 1/7 का, तो हम यहाँ बार लगा था, बार लगा देंगे। 1/7 को हमने 2 से गुणा किया तो 2/7 हो गया। ऐसे ही अगर हम 1/7 के दशमलव प्रसार को 2 से गुणा करेंगे तो वो क्या होगा, 2/7 का दशमलव प्रसार, और ये कितना आएगा, 0.285714। ठीक है, और इस पर बार, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2/7 बराबर क्या होगा, 0.285714। ठीक है, 2/7 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.285714। क्यों, 1/7 का 2 गुना 2/7 होता है, तो 1/7 के प्रसार को अगर हम 2 गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2/7 का दशमलव प्रसार। ठीक है, 2/7 का निकाल लिए, 3/7 का भी ऐसे निकालेंगे, चूँकि 1/7 × 3, अब आप गुणा कर सकते हैं, क्या कितना आएगा, 3 एकम 3, 3/7। ठीक है, चूंकि 1/7 × 3 बराबर 3/7, तो 1/7 के दशमलव प्रसार को क्या करेंगे हम, 3 गुना, इसीलिए 1/7 का दशमलव प्रसार कितना है ये। ठीक है, 0.142857, इस पर बार है तो बार लगा दिया, गुणा 3, इसको हम 3 गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.42851, और इस पर बात। ठीक, 1/7 का 3 गुना 3/7, तो 1/7 के दशमलव प्रसार का 3 गुना क्या होगा, 3/7 का दशमलव प्रसार। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी, तो हम लिख सकते हैं 3/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.42851। ठीक है, 3/7 का हो गया, हम 4/7 का भी इसी प्रकार से निकालेंगे, चूँकि 1/7 × 4 बराबर होगा हमारा 4/7, इसीलिए 1/7 के दशमलव प्रसार का भी हम क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे, 0.142857। ठीक है, इसका 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.571428, इस पर बार लगा देंगे, 4 से इसको गुणा किया है, ऐसे हमने यहाँ पे 3 से इसको किया था,
और दो से इसको किया था, तो ये आंसर आ रहे थे। ठीक है, तो ये एक बट्टे सात का चार गुना चार बटे सात, तो एक बटे सात के दशमलव प्रसार का चार गुना क्या हो जाएगा, चार बटे सात का दशमलव प्रसार। ठीक है, चार बटे सात का दशमलव प्रसार कितना होगा, 0.571428। ठीक, हम पाँच बटे चार बटे सात का हो गया, हम पाँच बटे सात का भी इसी प्रकार निकालेंगे, चूँकि एक बटे सात गुणा पाँच बराबर होता है पाँच बटे सात, तो एक बटे सात का दशमलव प्रसार क्या है, 0.142857। ठीक है, इसका पाँच गुना आप कर दें, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पाँच बटे सात का दशमलव प्रसार इसका आएगा 0.714285। ठीक, तो ये हो गया पाँच बटे सात का दशमलव प्रसार, 0.714285। अब लास्ट बचा है छः बटे सात, तो छः बटे सात का भी आप समझ गए ऐसे ही निकलेगा, चूँकि एक बटे सात गुणा छः बराबर हो जाएगा छः बटे सात, तो एक बटे सात का दशमलव प्रसार को हम क्या करेंगे, छः गुना कर देंगे, नहीं 0.0 कितना है इसका, 1.42857। ठीक, इसका छः गुना कर दें आप, गुणा छः, तो ये कितना आएगा, 0.857142, और इस पर ये बार। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 6/7 = 0.857142। ठीक है, ये हो गया 6/7 का दशमलव प्रसार। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बारी बारी से करना है, तो आप इसको फर्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है, और सेकंड ये रहा हमारा, ये इसको आप सेकंड बोल सकते हैं, ये थर्ड है, और ये वाला फोर्थ था, ठीक, और ये है फिफ्थ। क्लियर, तो पांचों के हमने दशमलव प्रसार आपको बता दिए हैं, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।